हर बार अटल टनल क्रॉस करते हैं, इस बार थोड़ा करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये भी बढ़ेगी कंपटीशन। बोल ओए कहाँ जा रहा भाई? नहीं चल तू टॉप। ये सब नीचे कुल्लू देख रहा है। बम बम लगा दिया टाइमर भाई साहब। अब देखते हैं अटल टनल 60 की स्पीड में कितना टाइम लगता है अटल टनल क्रॉस करने में। हमें 26 सेकंड हो गए। वैसे 9.5 किलोमीटर की टनल है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। रहेंगे हम 60 की स्पीड में। ये 60 के आसपास की स्पीड में चलेंगे बस। ये अपनी गाड़ी की स्पीड है 55-60। हर बार अटल टनल क्रॉस करते हैं, इस बार थोड़ा करते हैं एक्सपेरिमेंट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कितना टाइम हो गया? 3 मिनट हो गए भाई, 3.5 मिनट हो गया अभी चले हुए। मतलब थोड़ा आगे पीछे हो रही है स्पीड, 55-60 आगे ट्रक भी चल रहा है ना, 55-60 पे चल रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अप्रॉक्स कितने 10 मिनट तो लग ही जाएंगे भाई। कितना लगेगा? 1 मिनट लेट लगाया। वो तो थोड़ा कवर भी हो गया ना स्पीड में। कभी 4 किलोमीटर और है। कितनी किलोमीटर होगी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हमने करी 4 मिनट में। मतलब अप्रॉक्स इतना रखो, थोड़ा बहुत आगे ट्रैफिक भी रहता है ना। 55-60 एक एवरेज लगा के रखो स्पीड की। अभी हमें चलते हुए कितने 8 मिनट हो गए भाई, टाइमर साथ में चल रहा है। और रीडिंग के हिसाब से देखो तो अभी शायद 2-2.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। स्पीड वही है अपनी 55-60। ये 55-60 पे इसलिए कर रहे हैं कि स्पीड लिमिट ही इस टनल की 60 है, तो चलो ठीक है 55-60 पे। अब यहाँ पे नहीं 60 है, ये 60 है यहाँ स्पीड लिमिट पूरी टनल में 60 है। और टाइमर अभी दिखा रहा है 8:30। अभी देखते हैं लास्ट फाइनली वही 9 या 10 मिनट लगेगा शायद। बीच बीच में कभी कभार आई है 55 से नीचे, नहीं तो वैसे 55-60 पे रही है स्पीड, 60 से ऊपर तो गए नहीं है। कितना हो गया टाइम? 9.5 मिनट। और ये बस एग्जिट आ गया टनल का। अब थोड़ा सा स्पीड 40 पे आ गई, फिर भी फाइनल बताएंगे कितना लगा। और ये टनल से एग्जिट। यहाँ स्पीड आ गई मेरी बिल्कुल डाउन 20 पे। और टनल से एग्जिट कर दिया, कितने मिनट लगे? 10-16। खाने में हो जाए एक एक बर्गर भाई साहब, लगाओ बर्गर। कितने? 6 बर्गर। कितने का एक? 50 का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश। मुकेश जी लगाओ बर्गर 6, बढ़िया से एकदम झन्नाटेदार, बिना मिर्च के। पर मेरे में तो डालना है मत बिल्कुल ही मिर्च भाई, बाकी के डाल देना थोड़ा मिर्च, हम मिर्च नहीं खाते हैं। है? एक में नहीं डालनी मिर्च, बाकी में तू मिर्च खाएगा? एक में मिर्च में डालना, बाकी में डाल दो। माउंटेन मॉन्क्स थक हार के देखो राइडर वो बैठा ऊपर भाई, थक गया बाइक चला चला के, नीचे बैठ गया, बोले कुछ खा नहीं, खा ही लेते हैं भूख लगी है। और एक राइडर अंदर है भाई साहब, बाहर निकलो। आप क्यों वहां से आए हैं समराला चौक से? बंदे भाया फगवाड़ा भाई ने तो रील डाल के ना एकदम अपडेट कर दिया, बोले मनाली से पहले ही सारी रील अपलोड कर देनी है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जोनी भाई, वहाँ वो मोदी और वो बैठे हैं अपने, जयराम जी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? है ठीक है, कुछ नहीं चेंज होगी सरकार चेंज होगी, कांग्रेस जिंदाबाद, आज ही बदल लिया। अरे भाई यहाँ तो कांग्रेस की प्रमोशन चल रही है भाई साहब तो पीएम कौन रहेगा? राहुल गांधी। क्या बोला तूने? राहुल गांधी झूठ बोल रहा है।
एक बंदा है राइडर मौज करती अभी तो ये भी बढ़ेगी भाई ने अभी तक आधे रास्ते में ही कितनी 8-10 रील अपलोड कर दिए भाई ने करी है दो रील अपलोड भाई लगा हुआ अभी करने के मनु ने नहीं करी है मैंने नहीं करी है कोई रील अपलोड रील्स पे रील्स यार अपना हैवी राइडर बाइकर कहाँ गया पूरे रास्ते में दिखाई नहीं कहीं बाय बाय टाटा गुड बाय गया भाई है वो टच में कहीं अब तो मोटरोला भी जमा कर दिया यार वॉकी टॉकी बात कैसे करें उससे फोन वो उठाएगा नहीं दिल्ली से है स्विफ्ट वाले भाई किधर से जल्दी बताओ भाई कुल्लू मणिकर्ण बिलासपुर शिमला चंडीगढ़ कहाँ चंडीगढ़ वाले रास्ते पे इसी रास्ते पड़ता है ये आ गया ब्रिज कुल्लू वाला बाईपास नगर वाले रोड पे जाएंगे क्या हम है ना वहीं से चढ़ेंगे बिजली महादेव इस तरफ राइट साइड है बिजली महादेव राइट साइड ये लिखा ना बिजली महादेव का बोर्ड लगाया है चलो बिजली महादेव 22 किलोमीटर लिखा तो है भाई बोरा इधर से परे को जाओ फिर उरे को जाओ फिर परे को है पेट्रोल पंप अरे से जाना परे को ना करे अरे से जाना परे को बोर्ड में ये हमारे राइडर साहब बिना तेल के चल रहे बिजली महादेव देखा आपने लापरवाही का नतीजा है वापिस हटे चार किलोमीटर क्या कहाँ जा रहा भाई क्या व्यू है यार बिजली महादेव टॉप ये सब नीचे कुल्लू देख रहा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ये सारा मतलब कुल्लू सिटी सारा बादल गजब एकदम पहाड़ियों को चूमते हुए बहुत टॉप पे आ गए यार हम कुल्लू सिटी से है बिजली महादेव 22 किलोमीटर और पूरा एकदम चढ़ाई है रोड पे एकदम घूम घूम के अभी यहाँ भी अभी पहुंचे नहीं है यहाँ से मैं ट्रैक करके मतलब 1-2 किलोमीटर यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा बहुत सही गजब तो यार ये आज की हमारी फाइनल लोकेशन रहेगी यहाँ माथा टेक के चलेंगे वापिस घर अभी हम गाड़ी और ऊपर लेके आ गए पहले नीचे खड़े थे वहाँ पे फिर चाचा श्री ने बोला कि अभी 1 किलोमीटर और गाड़ी चली जाएगी यहाँ जैसे खड़ी करी थी यहाँ से घूम के अभी यहाँ पे आ गए यहाँ से है 1.5 किलोमीटर बाय वॉक और पार्किंग लगी है 100 रुपया अभी चढ़ेंगे बाय वॉक 1.5 किलोमीटर ऊपर की साइड मंदिर दूरी 1.5 किलोमीटर ना पीछे से भी अच्छी बन रही है वीडियो कोई चक्कर ही नहीं है अभी हो जाएगा ट्रैक अपना 1.5 किलोमीटर का छोटा मोटा ही ट्रैक सही पर होगा तो ट्रैक ही ओ भाई साहब क्या व्यू आ गया यार अब तो बादल और नीचे आए हैं बादल और नीचे आते जा रहे हैं जबरदस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से पूरा कुल्लू शहर दिख रहा है ये कुल्लू शहर नीचे पूरा गजब अब आया व्यू भाई असली पहाड़ों में बादलों वाला बीच में रास्ते में हल्के फुल्के ढाबे भी हैं स्नैक्स काउंटर्स आधा ट्रैक हो गया
फुल चांस लग रहे बारिश आने के। क्यों भाई? बिजली कड़क रही है जोर से, बिजली कड़क रही है, तड़ातड़ की आवाज आ रही है, और अगर बारिश लग गई तो भाई साहब भीगते भीगते जाना पड़ेगा नीचे। और अभी हाफ ही ट्रैक हुआ है तो ये कि सांस नहीं फूल रही यार यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वेजिटेशन है ना, हवा ऑक्सीजन अच्छी है। ऊपर ले में तो इतना चलने में तो मतलब वही 12 लाचा साइड और ये सब, इतना चलने में तो 2 बार बैठना पड़ जाता है। और क्या बताओ, छुट्टी उट्टी का बना कुछ है? हैं हैं कुछ नहीं बना, वापिस जाना पड़ेगा मतलब है? ओ भाई, अब तो बारिश हो गई यहीं उतरते वक्त तो वापिस जाना पड़ेगा, भीगते भीगते कैसे जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। बात तो सही है। ओ भाई आवाज सुनो जंगल की, पेड़ों की सर सराती हुई आवाज, ऐसा लग रहा है बारिश लग गई। अरे गजब मौसम हो गया भाई, हवा बहुत ज्यादा चलने लग गई। अब कितना दूर है सर और मंदिर? बिजली महादेव ये सामने। ये क्या है? मंदिर बुला हुआ ऊपर है ना, चिपक के कौन सा मंदिर है ऊपर चिपक के बता रहा भाई, दूर से बता, पहले तो पास ही आ गया है। मैं भाई कर क्या रहा है, बम बम पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। चलो भाई टॉप पे पहुंच गए, बैक साइड व्यू दिखाता हूँ। ये भाई साहब ये है टॉप, ये नीचे कैंप साइट है पूरी। ओहो सही है ना, कैंपिंग के लिए जबरदस्त है लोकेशन भाई। टॉप पे पहुंच गए, सब ढाबे दिख गए, मंदिर कहाँ है? अभी और आगे है क्या? अब इसके ऊपर तो सीधा भगवान का ही डेरा है। बहुत टॉप पे पहुंच गए, ये आ गया भाई कसोल साइड है। अरे गच्छा को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।